नमस्कार, जय भीम साथियों। अंबेडकरनामा के 40वें एपिसोड और लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। 38वें एपिसोड में हमने देखा था कि गांधी से समझौता करने के लिए अंबेडकर मान गए थे। तो अब समझौते का क्या कंडीशन था, शर्तें क्या थी, ये बात करेंगे। और ये एपिसोड गंभीरता से आपको पूरा सुनना जरूरी इसलिए है कि एक तो पूना पैक्ट की शर्तों को आप समझेंगे और दूसरे पूना पैक्ट के बाद जो हिंदू नेताओं ने मुंबई के सम्मेलन में जो बातें कही थी, क्या कही थी, उसको समझेंगे और आज के संदर्भ में उसकी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और अंबेडकर साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है, एक एक शब्द जो है वो सुनने लायक है। इसलिए गांधी के बारे में आप जो सोचते हैं और अंबेडकर क्या सोचते थे, ये भी जानना आपको जरूरी है। और किन शब्दों का वो प्रयोग करते थे गांधी के बारे में, ये बात जरूर है कि वैचारिक मतभेद उनके बने रहे। तो पूना जो टेक्स्ट है, पाठ जो पूना पैक्ट का जो टेक्स्ट है, इसमें कुल मिला जुला के 9 शर्तें हैं। तो 9 शर्तों में जो पहली शर्त है, मैं मोटा मोटी मिलाकर बोलूंगा और विस्तार से लिया के लिए आप किताब देखेंगे, वॉल्यूम इंग्लिश राइटिंग देखें तो ज्यादा बेहतर है। वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 163 से लेके 180 तक जितनी अब तक हमने स्टोरी आपको बताई है, साइमन कमीशन से लेके और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट, सारी कहानी उसमें है। मैं कोई इधर उधर से लेकर नहीं आ रहा हूं। तो आप सीधा अंग्रेजी किताब पढ़े, वो ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स आपको देगा। तो पहला था कि भाई जो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, प्रांतीय विधानमंडल है, उसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षण होगा। और इसमें कैसे कैसे होगा, तो मद्रास में 30 सीटें आरक्षित होंगी, सिंध सहित बंबई यूनाइटेड बंबई 15 होंगी, पंजाब में 8 होंगी, बिहार तथा उड़ीसा में 18 होंगी, जो केंद्रीय प्रांत है, जो केंद्रीय प्रांत के अधीन जो राज्य हैं उसमें 20 होंगी, असम में 7 होंगी, बंगाल में 30 होंगी और संयुक्त प्रांत में 20 होंगी। टोटल 148 सीट रिजर्व किया गया था। सोच लीजिए आज कितने विधायक हैं, हजारों की संख्या में होंगे। उस समय तो 148 में ही बात चल रही थी, हजारों की संख्या में विधायक हैं, SC ST के कम से कम 130 से ज्यादा MP होंगे, सारा रिजर्वेशन जा रहा है, सारा कुछ उड़ गया, सब कुछ निजीकरण हो गया, कोई आवाज कहीं से नहीं आ रही है। इसलिए ये सब एपिसोड समझना और राजनीति और समाज की पेचीदगियों को समझना बहुत जरूरी होती है। समाज कोई ब्लू ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री का लैब है कि ओवरनाइट बदल जाता है। तो इसलिए इसमें समझौते होते हैं और मिनिमम समझौता करने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। तो ये सीट उनको दी गई थी। इसमें फिर कहा गया था कि इस सीट पर जो चुनाव है वो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होगा। तो इसमें जो लोग एलिजिबल वोटर हैं, दलित समुदाय के एलिजिबल जो वोटर हैं, वो पहले मिलकर अपना एक इलेक्टोरेट कॉलेज बनाएंगे, निर्वाचक मंडल बनाएंगे और इसमें से जो 4 उम्मीदवार को चुनेंगे, 4 उम्मीदवार चुनेंगे जो बेहतर उनको लगेगा, और उसमें से ये उम्मीदवार जाकर आम चुनाव में लड़ेंगे। फिर आगे था कि केंद्रीय विधानमंडल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इसी तरीके से संयुक्त निर्वाचन मंडल का चुनाव होगा इसी सिद्धांत के आधार पर। और यहाँ पे 18 सीटें रिजर्व की गई थी। डिटेल्स में आप किताब देख सकते हैं, मैं नटशेल में बता रहा हूं। फिर जो प्राइमरी इलेक्शन है उसमें शर्त ये था कि ये 10 वर्ष के लिए, कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो बोले थे कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए ही होगा, तो जरा इसको लोग दूसरा पार्ट नहीं पढ़ते हैं कि जो प्राइमरी इलेक्शन है पहले 10 वर्ष के लिए होगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन लेकिन उसमें लगा हुआ है, लेकिन इस समझौते से जुड़े हुए लोग, जो परस्पर समझौता जिन्होंने किया है पूना पैक्ट, वो लोग आपस में मिलकर समझौता करके खत्म करेंगे तब। तो क्या कोई समझौता हुआ है दलित समुदाय के साथ? कौन सवर्ण, कौन महासभा और कौन संघ, कौन बैठा है समझौता करने के लिए? ये बात थी इसमें
कि जब दोनों पार्टी बैठकर समझौता करके इसको खत्म करना चाहेंगे तब ये खत्म होगा। जहां तक वोटिंग राइट का सवाल है उसमें कंडीशन लगा था, तो शर्त ये थी कि जो दलित वर्ग का जो वोटिंग पैटर्न होगा वो उसी तरीके से होगा जो लुथियन कमेटी में रिकमेंड किया गया है। तो लुथियन कमेटी को देखना पड़ेगा क्या क्या शर्तें थी, उस समय प्रॉपर्टी का आधार लगाया गया था, तो वो डिटेल्स में देखना पड़ेगा लुथियन कमेटी को। फिर कहा गया, फिर था शर्त एक कि कोई भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, स्थानीय निकाय के चुनाव में या लोक सेवाओं में, पब्लिक सर्विसेज में के नियुक्ति में दलित वर्ग को सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो दलित वर्ग का है। पहला ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पहले एलिजिबिलिटी देखकर अभी भी छांट दिया जाता है। अब जाए जनरल इंटरव्यू में 10 किताब लिख के प्रोफेसर के लिए बोले कि मैं जनरल में इंटरव्यू दूंगा, नहीं लेगा, छांट देगा, पहले बोलेगा कुछ नहीं। तो यह है कि कोई भी भेदभाव इसमें नहीं किया जाए। सो इन मामलों में दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसा करते समय जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे मान लिया बीपीएससी या यूपीपीसीएस आईएएस देने के लिए बीए का क्राइटेरिया है तो बीए का क्राइटेरिया ध्यान में रखा जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रत्येक प्रांत में दलित वर्गों के सदस्यों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा अनुदान में से पर्याप्त राशि निर्धारित की जाएगी। ये सब याद दिलवाइएगा जो लोग पूछेगा कि कितना कितना अलॉट हुआ है एजुकेशन को लेकर। जो एससी एसटी फंड में जो पिछले 35 साल में 2,80,000 करोड़ वापस हो गए पैसे, आज तक किसी ने पूछा नहीं पैसे कहाँ गए, सारी सरकारें वापस कर देती हैं पैसा, कोई कल्याण में खर्च नहीं होता, अभी अभी की बात कह रहा हूं मैं। तो ये शर्तें थी, ये मोटा मोटी यही शर्तें थी पूना पैट की। अब एक नया फिर जो है मामला फंसा एक, अब फंसा ये कि जो मद्रास के जो प्रतिनिधि थे, अछूत वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, इस बात पे अड़ गए कि अगर राजा और उसके अनुयायी इस समझौते पे हस्ताक्षर करेंगे तब अंबेडकर और उनके प्रतिनिधि हस्ताक्षर नहीं करेंगे, कि वो अड़ गए कि इस पे राजा के हस्ताक्षर और उनके अनुयायियों के हस्ताक्षर नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है तो अंबेडकर और उनके अनुयायी इस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। फिर मामला फंसा, तो फिर अंबेडकर उनके अनुयायी हस्ताक्षर किए। इसके बाद अंबेडकर साहब ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया कि आप राजा के भी साइन करा लें। तो इस बात पे भी बहुत जो है इससे बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, उस पर बहुत लंबे बहस के बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई इस पे अगर साइन करेंगे तो वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे करेंगे, संगठन और नेता की तरह व्यक्तिगत कैपेसिटी में, और उनके सिग्नेचर जो है सबसे अंत में होंगे, ये शर्त लगा दी गई। तो उसी के हिसाब से हस्ताक्षर हुए, लेकिन राजा बहुत तेज तरह राम थे, चालू पुर्जा आदमी थे। जब हस्ताक्षर की बारी आई तो उन्होंने अपना हस्ताक्षर जो है जयकर और सपरू के बीच में हस्ताक्षर कर दिया, अंतिम हस्ताक्षर नहीं किया। खैर 24 सितंबर 1932 को इसमें हस्ताक्षर हुआ पूना पैक्ट, और उसमें जो तकरीबन 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जो 23 लोग थे वो नाम मैं पढ़ देता हूं कि आपको याद रहे, कि मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सपरू, एम आर जयकर, बी आर अम्बेडकर, श्रीनिवासन, एम सी राजा, सी वी मेहता, सी राजगोपालाचारी, पी बालू, राजेंद्र प्रसाद, जी डी बिरला, रामेश्वर दास बिरला, बी एस कामत, जी के देवगर, ए वी ठक्कर, आर आर बाखले, पी जी सोलंकी, पी एन राजभोज, गोविंद मालवीय, देवदास गांधी, देवदास गांधी गांधी जी के पुत्र, विश्वास, जी ए गवई जो कि राजा के करीबी थे और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, और 23वां जो है शंकरलाल बैंकर। अब हस्ताक्षर के बाद जब सीन थोड़ा इमोशनल हो गया तो सी राजगोपालाचारी इतने आत्मविभोर, इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने अंबेडकर से अपना फाउंटेन पेन एक्सचेंज किया, अदला बदली किया।
तो इस हस्ताक्षर के बाद सारे नेता पहुंचे अब बंबई। तो 25 तारीख को वहां पे हिंदू नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन के बाद इस हस्ताक्षर में कुछ और नाम जोड़े गए और उन नाम से तकरीबन 18 नाम और जोड़े गए, तब 23 और 18 41 नाम हुए। वो नाम थे, वो भी मैं पढ़ देता हूं क्योंकि जरूरी है सबका नाम जानना। लल्लू भाई सामल दास, हंसा मेहता, के नटराजन, काम कोटी नटराजन, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, मथुरा दास वासन जी, बालचंद हीराचंद, एच एन कुंजरू, के जी लिमिये, पी कोंडराव, एन वी गाडगिल, मनु सूबेदार, अविंतका बाई गोखले, के जी चितालिया, राधाकांत मालवीय, ए आर भट्ट, कोलम और प्रधान। मुझे जान के हैरानी हो रही है कि सरोजिनी नायडू हर समय उनके साथ रहती थी और सरोजिनी नायडू इसमें कहीं दिख नहीं रही है, पूरे दोनों दोनों हस्ताक्षर वाले टीम में कहीं दिख नहीं रही है। अब मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सब ठीक ठाक तो था। तो इसके बाद यह संदेश ब्रिटिश मंत्रिमंडल को केवल के द्वारा और वायसराय को तार के द्वारा भेजी गई और जो प्रत्येक जो पार्टी थे समझौते के सब लोग अलग अलग जाकर जो मुंबई के गवर्नर थे उनके सचिव को ये इसकी कॉपी उन्होंने पेश की। अब इसके बाद मीडिया अमूमन जैसे होता है, आज भी मीडिया की बारी आई, मीडिया में कई तरह की खबरें छपी और एक खबर मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ दूं, ये है दी बॉम्बे क्रॉनिकल की खबर है। इन्होंने लिखा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की, भाषण में उन्होंने उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने पूना समझौते को मूर्त रूप देने में मदद की थी। उन्होंने विशेष रूप से अंबेडकर का धन्यवाद किया जिनकी जिनके बगैर पूना समझौता हो पाना कठिन था। तो इस बात का पूरा दायित्व अब हिंदुओं के कंधे पर है कि इसको अमल में लाए। इसके बाद कई नेता बोले, उसमें बहुत सारे लोगों का, राजगोपालाचारी और तेज बहादुर सप्रू, तमाम लोगों का भाषण हुआ। और ये बात इस हिंदुओं के सम्मेलन में जब भाषण होने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया, और ये प्रस्ताव आपको जानना जरूरी है क्योंकि आज के संदर्भ में भी ये प्रस्ताव आप सुन लीजिए और बार बार याद दिलवाइएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पारित हुआ था 25 सितंबर 1932 को बंबई में, उस प्रस्ताव का क्या हुआ। इसलिए एक एक लाइन में उसका पढ़ना चाहता हूं कि आपको ये सब याद रहना चाहिए। प्रस्ताव ये था, यह सम्मेलन 24 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं और दलितों दलित वर्गों के नेताओं के बीच हुए पूना समझौते की पुष्टि करता है, इसकी पुष्टि करता है, और यह विश्वास व्यक्त करता है कि ब्रिटिश सरकार हिंदू समुदाय के लिए निर्वाचक मंडल की प्रणाली का सृजन करने के अपने निर्णय को वापस लेगी, मतलब पृथक निर्वाचन मंडल के निर्णय को वापस लेगी तथा इस समझौते को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगी। सम्मेलन यह आग्रह करता है कि सरकार तत्काल कार्रवाई करे ताकि महात्मा गांधी अपनी शर्तों के अनुसार बहुत देर होने से पहले अपना अनशन समाप्त करें। यह सम्मेलन संबंधित समुदाय के नेताओं से यह अनुरोध करता है कि वे इस समझौते तथा इस संकल्प के आशय को समझें और उसको पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। आगे बहुत महत्वपूर्ण, यह सम्मेलन संकल्प करता है कि अब से हिंदुओं में जन्म के कारण कोई भी अछूत नहीं समझा जाएगा, कोई भी अछूत नहीं समझा जाएगा। और यह कि जिन्हें अब तक अछूत समझा जाता रहा है उन्हें सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक स्कूलों, सार्वजनिक सड़कों और अन्य सभी सार्वजनिक संस्थानों के प्रयोग के बारे में अन्य हिंदुओं की भांति ही अधिकार प्राप्त होंगे। आज अपने आसपास देखिए, मिड डे मील देखिए, घोड़ी पे चढ़ना देखिए, मंदिर देखिए, आज क्या ये संकल्प को याद दिलवाने की जरूरत नहीं है कि ये देखो तुम्हारे
तुम्हारे पुरखों ने क्या शपथ लिया था कि समान अधिकार होंगे। तो मिड डे मील में दलित खाना बनाता है तो लोग बहिष्कार कर देते हैं, घोड़ी पे चढ़ता है कोई मूंछ रख लेता है तो मूंछ से परेशानी है, घोड़ी पे चढ़ता है तो दंगा हो जा रहा है। तो आप ही के जिनको आपने देश रत्न का उपाधि, भारत रत्न का उपाधि दिया है मालवीय जी को, मालवीय जी की अध्यक्षता में शपथ लिया गया था, प्रस्ताव पारित हुआ था, आपने भारत रत्न देते समय आपने इस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा होगा और मैं आपकी इस अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको यह प्रस्ताव याद दिलवाना चाहता हूं। इसमें आगे एक शर्त लिखा है कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं होगा, प्रथम दृष्टांत इसे कानूनी मान्यता होगी और जब स्वराज संविधान बनेगा तो इसको एक्ट का रूप दिया जाएगा। ये हिंदू नेताओं ने ये बात कही थी, ये आपको याद नहीं, मैं याद दिलवाना जरूरी है। यह भी सहमति बनी, आगे क्या लिखा है, यह भी सहमति हुई कि सभी हिंदू नेताओं का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक न्याय संगत तथा शांतिपूर्ण प्रयास के द्वारा अब तक जितने भी बंदिशें दलितों के ऊपर हैं, जितने भी बाध्यताएं इम्पोज की गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस, जैसे मंदिर में रोक, तालाब में पानी लेना, सार्वजनिक कुओं में पानी लेना, उसको शीघ्र दूर किया जाएगा। भागवत साहब को भी यह सब याद दिलाना जरूरी है कि क्यों नहीं सब हो रहा है। डॉक्टर सप्रू ने कहा कि अंबेडकर जिस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके लिए वो लड़ते हैं, वाकई उनके लिए लड़े और बहुत बहादुरी से लड़े, और अंबेडकर ने एक भविष्य में एक अच्छे योद्धा बनने का, उस अच्छे योद्धा की भूमिका निर्वाह करने का वचन दिया है। अब देखिए, इस सम्मेलन में अंबेडकर भी थे और अंबेडकर का भाषण हुआ, तो अंबेडकर के भाषण को बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से सुने जाने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा इस सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे लिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब से कुछ दिन पहले कोई भी व्यक्ति मेरे से ज्यादा असमंजस और दुविधा की स्थिति में नहीं रहा होगा। कि सबसे ज्यादा अगर कोई दुविधा में था, असमंजस में, तो मैं था। मैं एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था जहां मुझे दो कठिन विकल्पों में से एक को चुनना था। आगे, भारत के सबसे महान व्यक्ति के जीवन को बचाना था। आप लोग गांधी अंबेडकर जब विमर्श होता है तो तुरंत कंक्लूजन निकाल लेते हैं, अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, तुरंत जो है आ जाते हैं एकदम युद्ध के मुद्रा में। तो राजनीति वैसे नहीं चलता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी चलता है, उसकी एक मर्यादा होती है। अगर इस समय गांधी और अंबेडकर दोनों होते तो दोनों एक साथ लड़ते होते, जो हालात इस देश में अभी हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। उस समय चूंकि एक देश का स्वराज का सपना था तो इसीलिए लगता था बहुत सारी समस्याएं हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और हिंदुओं ने शपथ भी ली थी कि हम सॉल्व करेंगे। खैर, कि भारत के सबसे महान व्यक्ति के जीवन को बचाना था, मेरे समक्ष एक समुदाय के हितों के प्रति न्याय करने और उसकी रक्षा करने, दलितों की रक्षा करने की भी समस्या थी, जिसके लिए मैं गोलमेज सम्मेलन से ही प्रयासरत था। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह समझौता हम सभी के सहयोग से संभव हो सका है और हम महात्मा का जीवन बचाने के लिए एक समाधान की तलाश कर सके हैं। भविष्य में दलित वर्गों के हितों के यथा आवश्यक संरक्षण के लिए सामंजस्य भी स्थापित कर सके हैं। मेरे विचार से, अंबेडकर, मेरे विचार से इन सभी बातचीतों के अधिकांश भाग का श्रेय महात्मा गांधी को जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि उनसे मिलने पर मैं अत्यधिक चकित रह गया था कि मेरे और उनके बीच कितना कुछ समान है, कॉमन है। दोनों खत्म करना चाहते थे कुछ चीजें और दोनों कॉमन थे। तो आधा मत पढ़िए बाबा साहब, पूरा पढ़िए।
इस समय अम्बेडकर गांधी होते तो एक साथ तो ताल ठोके रहते, अभी लड़ते रहते हैं, उससे ज्यादा खराब 1930-32 से ज्यादा खराब स्थिति अभी है इस देश में दलितों को लेकर और आदिवासियों और पिछड़ों को लेकर। तो वो कहते हैं कि अत्यधिक चिंतित रह गया था कि मेरे और उनके बीच कितना कुछ समान है। और इसके बाद तो हॉल एकदम ताली से गूंज गया, एकदम ताली धन बज रहा था, एकदम तालियों से गूंजा। आगे बोलते हैं अम्बेडकर कि वास्तव में जब कभी कोई विवाद उनके पास ले जाए गए तो मैं हैरान था कि मुझसे कि मेरे बारे में गांधी की जो राय थी गोल में सम्मेलन के दौरान, तरह तरह की राय रखने वाला ये व्यक्ति, मेरे बारे में ठीक राय नहीं थी, लेकिन जब भी कोई समस्या का समाधान उनके पास ले जाया गया वे मेरे बचाव के लिए आगे आए, न कि दूसरे पक्ष के बचाव में, न कि दूसरे पक्ष के। जब भी जब होता था डेलीगेशन जाता था तो अम्बेडकर का पक्ष गांधी ज्यादा लेते थे ज्यादातर मुद्दों पर। आगे, मैं गांधी के प्रति बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कठिन स्थिति से बाहर निकाला। दिलचस्प। आगे, मुझे सिर्फ इस बात का खेद है कि महात्मा ने यह दृष्टिकोण गोल में सम्मेलन में क्यों नहीं अपनाया। पिछले एपिसोड आपको याद हुआ था, बार बार ये बात मैं कह रहा था कि गांधी को यही करना था तो गोल मेज में कर लेते, बात वहीं खत्म हो जाती, झगड़ा बढ़ती ही नहीं। ये बात मैं बार बार पिछले एपिसोड में मैंने उठाया कि यह दृष्टिकोण गोल में सम्मेलन में गांधी ने क्यों नहीं अपनाया। यदि उन्होंने मेरे दृष्टिकोण के प्रति तब इतना महत्व दर्शाया होता तो उन्हें इतनी कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन यह सब बीते समय की बात है। मुझे खुशी है कि अब मैं यहां इस संकल्प का समर्थन कर रहा हूं। समाचार पत्रों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या इस समझौते के को संपूर्ण दलित वर्ग का समर्थन मिलेगा। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस दल और जिस समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करता हूं उनके तरफ से इसमें कोई संदेह नहीं है, हम सब इस समझौते के साथ हैं। हमारी चिंता, ये इंपॉर्टेंट है, समझौते के साथ है, लेकिन आगे अंबेडकर कहते हैं हमारी चिंता यह है क्या हिंदू समुदाय इसका पालन करेगा। हॉल में जितने हिंदू नेता बैठे हुए थे जोर से आवाज आई, हाँ हम करेंगे। ये सवाल पूछेगा हिंदू नेताओं से आजकल, ये जो शपथ लिए थे 24 सितंबर को मुंबई में, उस शपथ का क्या हुआ कि आवाजें आई कि हाँ हम करेंगे। आगे फिर व्यवधान के बाद बोलते हैं अम्बेडकर, हम यह महसूस करते हैं कि दुर्भाग्यवश हिंदू समुदाय अपने आप में समग्र नहीं है। यदि मैं कहूं तो यह छोटे छोटे समुदाय का एक महासंघ है। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि हिंदू अपनी ओर से इस दस्तावेज को, पूना पैक्ट को अति पवित्र समझेंगे तथा सम्मानजनक भाव से काम करेंगे। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं बातचीत में भाग लेने वाले सभी मित्रों का बहुत आभारी हूं, लेकिन सर तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालाचारी का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। सर तेज बहादुर के बिना कई बिंदुओं पर संभाल पाना कठिन हो जाता, मुश्किल हो जाता। मैं यह मानता हूं कि यदि भारत में कोई सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है तो वह सर तेज बहादुरी है। उनकी निष्पक्षता और न्याय उन सभी अल्पसंख्यकों के लिए राहत का विषय है जो नए संविधान में अपने रक्षा के लिए कुछ उपाय चाहते हैं। आगे कहते हैं अम्बेडकर, मैं अपने मित्र राजगोपालाचारी का उल्लेख करना चाहूंगा। जब कभी हम टूटने के कगार पर होते थे वे हमारे बचाव में आगे आए और उनके बिना यह समझौता संभव नहीं हो पाता, अस्तित्व में नहीं आ पाता। इन बातचीतों के दौरान
कई बार उत्तेजित शब्दों के आदान प्रदान हुए और बहस और उग्र बहस हुई। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने जिस शिष्टाचार और सहिष्णुता का परिचय दिया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भाई, जिन लोगों ने मालवीय जी को भारत रत्न दिए हो, आपसे सवाल है, मालवीय जी को धन्यवाद दे रहे थे हम बैठकर, अब पैट के बारे में शर्त तो निकाल के पढ़िए जरा। सांप्रदायिक जो कॉमनल अवार्ड है उसमें जो परिवर्तन किए गए हैं, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड से लेके ज्वाइंट इलेक्ट्रोड जो परिवर्तन किए गए हैं, उसके पीछे कारण यह था कि बहुसंख्यक ये मानते थे, लोग ये मानते हैं, अम्बेडकर कह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली राष्ट्र के लिए घातक है। लेकिन अम्बेडकर कहते हैं कि मैं इसे नहीं मानता, मैं इससे सहमत नहीं हूं, कि मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि जहां पे बहुसंख्यक की संख्या ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे पृथक निर्वाचन मंडली उनको हानिकारक लगेगी, उनके लिए हानिकारक है। फिर भी मैं आश्वस्त नहीं हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हानिकारक है। इन्होंने लाइन यहां छोड़ दिया था, इसलिए अंबेडकर भारत की आजादी तक इसके बावजूद पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा बार बार उठाते रहे, बार बार उठाते रहे उनके राइटिंग्स में। उस पर चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड्स में, अभी तो 1000 एपिसोड्स बनने हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, लेकिन नहीं बना तो क्या कर सकते हैं। कोशिश तो है कि आपके बीच 1000 एपिसोड लेकर आऊं। कहते हैं कि सिर्फ संयुक्त निर्वाचन मंडल से दलित वर्ग का हिंदू समाज में एकीकरण की समस्या हल नहीं होगी, इसके लिए आपको इसको बियॉन्ड जाना पड़ेगा कि सिर्फ चुनाव प्रणाली में सुधार कर देने से दलित वर्ग की समस्या खत्म नहीं होने वाली है, नव हिंदू में समाहित होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सामाजिक तौर से सोचना पड़ेगा, इसका और हल कहीं निकालना पड़ेगा। इसलिए बार बार वो कहते हैं उनके राइटिंग्स में कि विदाउट सोशल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकता है। सामाजिक बंधुता पे बार बार जोर दे रहे थे, अब आज 2020 है, 2020 है, पता करना जरा कितना सामाजिक बंधुता आया है। या अभी कोरोना के क्राइसिस में भी सुना है बहुत भेदभाव हो रहा है, दलित पिछड़े आदिवासी ठेल दिए जा रहे हैं इधर से उधर, गांव में भी सुना है, कई खबरें आ रही है सोशल मीडिया और तमाम जगहों से, तो कितना हुआ है ये जानने की जरूरत है। कहते हैं कि आप ऐसे तौर तरीके तैयार कर सकेंगे जिससे कि हिंदू जिससे कि जिसकी मदद से दलित वर्गों के लिए हिंदू समाज में अभिन्न अंग बन पाना संभव होगा, जहां पे वो आत्मसम्मान और समुदाय में बराबरी के साथ रह सकेंगे। ये सवाल उन्होंने छोड़ा वहां पे। आगे कहते हैं कि अभी तक दलित वर्गों को एक अज्ञानियों का ढेर समझा जाता था जिसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। हिंदू कानून में, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जो उन्हें थोप दिया जाता था वो स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षित होंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो फिर सवाल करना शुरू करेंगे, बराबरी और समानता का सवाल भी शुरू होगा। इसलिए उनका हिंदू समाज से अलग होने का एक बहुत बड़ा खतरा है। आज भी सोचिए आज क्या चल रहा है देश में, खतरा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अंतिम लाइन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये था अंबेडकर का भाषण। एक बार में अगर थोड़ा दिक्कत हो तो इसको बार बार सुनिएगा। और राजनीति में जो है ना एक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं लेसर एनिमी का सिद्धांत, कि जब आपके सामने दो शत्रु हों तो बड़े शत्रुओं के खिलाफ जो छोटे शत्रु उनके साथ समझौता होता है। इसको राजनीति की भाषा में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ अंबेडकर साहब गांधी जी को महात्मा कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। और जैसे मालवीय जी, आप मालवीय अछूत उद्धार और तमाम सब चल रहा था एक साथ, हालांकि उनके कॉन्ट्रडिक्शन अलग है। अछूत समस्या पे भगत सिंह ने आलोचना की है कि मालवीय जब जाते हैं हिंदू सुधार आंदोलन में तो अछूत के घर से जब आते हैं
तो पूरा कपड़ा सहित स्नान करते हैं, तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे। लेकिन लार्जली एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अम्बेडकर अकेले भी थे, ये भी समझना पड़ेगा। तो लेकिन तब भी अड़े रहे, तो इसलिए एक साथ सबको आप नापना चाहेंगे तो आप अपने घर में भी अकेले पड़ जाएंगे। आप अपने बच्चों से नहीं सबसे जीत सकते हैं, पत्नी से नहीं जीत सकते हैं, अड़ोस पड़ोस से नहीं जीत सकते हैं। तो घर भी एक राजसत्ता होता है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है। जब अनबन होता है घर में भी, तो दो आदमी उधर चला जाता है, तीन आदमी इधर चला जाता है, वहां भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत समझौता घर में, नोट कीजिएगा, घर भी छोटा सा राज्य है, स्टेट है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए, और अभी किनसे सवाल पूछना है फोकस्ड रखिए। अम्बेडकर साहब भी फोकस्ड रहते थे, तो फोकस रखिए कि किनसे सवाल पूछना है। सबसे एक साथ सवाल पूछिएगा तो आप अपने आप को हाशिए पे धकेल रहे हैं, आप अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सब समस्या का समाधान ना अम्बेडकर साहब के पास था, ना गांधी के पास था। जब उनके पास नहीं था तो हमारे आपके पास कहाँ होगा। अभी देखिए कि प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, किससे सवाल पूछना है, कौन सा सवाल पूछना है। जो राज सत्ता में है, जो धर्म सत्ता में, जो समाज सत्ता में, सवाल उन्हीं से पूछा जाता है। हर समय सबसे सवाल नहीं पूछा जाता है। मेरी सलाह है, सोच कर देखिएगा, अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं अच्छा लगे छोड़ दीजिएगा। चलिए साथियों, दिलचस्प बात था, मैं सोचा थोड़ा लंबा, इसलिए थोड़ा लेट भी हुआ कि थोड़ी लंबी बातचीत करूं। तो पूरा वीडियो सुनना है और सुनकर सर्कुलेट करना है। आज 41वां एपिसोड भी इस पूना पैट की कहानी को आज समाप्त करेंगे, और कल से महाड आंदोलन या काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, दोनों में से किसी एक टॉपिक पे शुरू करेंगे। शुक्रिया साथियों, जय भीम।